हेलो गाइस, वेलकम टू माय पेज हेयर सॉल्यूशन। आज मैं आपको अपने पेज पे दिखाने वाला हूँ एक हेयर कट जो कि काफ़ी शॉर्ट हेयर में हम करने वाले हैं। काफ़ी लोग लंबे बालों में हेयर कट करवाते हैं, बट यहाँ पे मैं शोल्डर लेंथ में बाल काटने वाला हूँ। तो ये चीज़ आप देखेंगे, ये कुछ डिफरेंट है आज। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे करना है हेयर वॉश। शैम्पू करने के बाद मुझे पूरी डस्ट निकालने के बाद हेयर सीरम लगाना है, जो कि मैं हबीब कंपनी का एज यूजल यूज़ करता हूँ। अच्छे से सीरम लगाने के बाद मुझे इसको कॉम करना स्टार्ट करेंगे। आप पहले सीरम अच्छे से अप्लाई करिए सारे बालों में, हर एक बाल में अच्छे से सीरम लगना चाहिए। सीरम लगा के आप जो टेंगल्स हैं वो सारी निकल जाती है। तो इसके बाद मैं पैडल ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, अच्छे से ब्रश यूज़ कर रहा हूँ ताकि सारे बालों में से टेंगल्स निकल जाएँ। सारे बालों में से अच्छे से कॉम करना है, सारे टेंगल्स निकाल लेने हैं, और उसी ड्यूरेशन में आप क्लाइंट से कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको कैसा हेयर कट चाहिए, कितना लेंथ चाहिए, फ्रंट से क्या लुक चाहिए, बैक में कितने, किस तरह से, यू नो, ये सब सारी बातें आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले मैं सेक्शनिंग करूँगा, बालों को डिवाइड कर लूँगा। जब तक आप डिवाइड नहीं करते हैं आप बाल नहीं काट सकते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है डिवाइड करना। तो यहाँ पर मैंने बालों को डिवाइड किया डिफरेंट वे में, सेम दूसरी साइड भी, दोनों साइड को अलग अलग डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले मैं जो है अपने कंफर्टेबल के लिए सबसे पहले मैं बॉक्स एरिया पे ज़्यादा फोकस करूँगा। बॉक्स एरिया लेना है मुझे, जिसको हम मिडल एरिया बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो आप अच्छे से कॉम कर लीजिए। कॉम करने के बाद मैं बॉक्स एरिया लूँगा। बॉक्स एरिया को स्ट्रेट लेंथ जो मुझे अपनी काटनी है क्लाइंट से पूछ के कि मुझे कितना लेंथ काटना है, कॉम करूँगा। हेड हमेशा क्लाइंट का नीचे होना चाहिए ताकि जो बालों की डायरेक्शन है वो स्ट्रेट आए। बॉडी के साथ टच करके आपको बालों को काटना है। फिंगर एकदम सीधा क्लाइंट को दिखाइए, पूछिए, क्लाइंट बोलेगा यस, उसके बाद काट दीजिए। तो ये जितना लेंथ दिख रहा है अभी मैंने काफ़ी शॉर्ट किया है, बट स्टिल जब आप ड्रायर कर लेंगे, हेयर कट कर लेंगे, उसके बाद तो ये और शॉर्ट दिखेगा, बट होगा नहीं। तो वो साइंटिफिक रीज़न है उसके पीछे भी। मैं अदर साइड के भी बाल काटूंगा गाइडलाइन को देखते हुए। इसी तरह मिडल से गाइडलाइन लेके लेफ्ट हैंड साइड के बाल कॉम करके क्लाइंट की बॉडी के साथ टच करके फिंगर को काटना है। ये स्ट्रेट, ये गाइडलाइन है, और स्ट्रेट काट दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बेस लाइन बना ले, जिसको गाइडलाइन बोलते हैं हम लोग, जहाँ से हम आगे ट्रैवल करेंगे। फिर से मैं बॉक्स एरिया लूँगा, उसको 90 डिग्री पे उठाऊँगा, ग्रेजुएशन उठाऊँगा। जैसे ही आप उठाने लगते हैं उसको हम ग्रेजुएशन बोलते हैं। ये बाल उठाए मैंने, 90 डिग्री पे उठा के मैंने काट देने हैं। टिपिकल लैंग्वेज है एक बाल काटने की, इसको 90 डिग्री, ये छोटे बाल हैं और बड़े बालों को काट देना है। इसी तरह मुझे बाकी के बालों को भी ट्रैवल करना है, ऊपर की तरफ ट्रैवल करके काटना है। तो आप सेक्शन बाय सेक्शन कॉम करिए, होल्ड करिए तीन फिंगर के ग्रिप से, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। आप देख रहे हैं मेरे हेयर कट की, छोटे बाल गाइडलाइन, बाकी बालों को काटना है। डरिए मत बाल काटते हुए कभी भी। अगर आप एक टेक्निकल वे में सही तरीके से काट रहे हैं तो आप बिल्कुल कभी भी गलत नहीं काट सकते हैं। तो छोटे बालों को देखते ये गाइडलाइन, बाकी बालों को काटो। ऊपर भी है जो मैंने पीछे के बाल गाइडलाइन लिए थे। इसी तरह अदर साइड, यहाँ पे मैंने डिवाइड किया, फिर से कॉम किया, 90 डिग्री पे उठाया, अच्छे से कॉम करना, सारे जो बालों में टेंगल्स हैं वेव वो निकल जाए। 90 डिग्री पे उठाया और काट दिया। सेम चीज़, सारे बाल धीरे धीरे करके आप 90 डिग्री पे काटते रहिए। इसके बाद ये हेयर कट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बिकॉज लास्ट हेयर कट से ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज हम ये शॉर्ट बालों में कर रहे हैं इसलिए। तो अभी मैं सारे बाल खोल दूंगा और जो पहले मेजर कर लूँगा। हाँ राइट, इवन है, अगर मुझे कुछ लग रहा है उस साइड में कि यहाँ अगर बाल प्रॉपर नहीं कटे हैं, इस साइड में कॉम करके देख लूँगा, तो मैं दोबारा से होल्ड करके देख सकता हूँ कि शायद अगर दो चार बाल रह गए हों, मुझे लग रहा है जो लेफ्ट हैंड साइड में बाल रह गए हैं, तो मैं कॉम करूँगा अच्छे से, होल्ड करूँगा और देख लूँगा, चेक कर लूँगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं है काटने को, फिर भी
मैंने बाल खोल लिए, अभी फ्रंट के जो दो सेक्शन रहते हैं हमारे टिपिकल सेक्शन जिसको हम बेसिक सेक्शन बोलते हैं, वो सेंटर पार्टीशन करके मैं निकालूंगा। सबसे पहले मुझे सेंटर पार्टीशन निकालना है, सबसे पहले मैं सेंटर पार्टीशन निकालूंगा, ईयर टू ईयर वाला सेक्शन लूंगा, दो सेक्शन में डिवाइड कर लूंगा फ्रंट के हेयर्स को, दो सेक्शन में डिवाइड करूंगा फ्रंट के हेयर्स को, बाकी के बालों को टाई कर लूंगा पीछे की तरफ। कॉम करिए, बाकी के बाल पीछे डिवाइड करके टाई कर दीजिए क्लिप की हेल्प से। सेम इस साइड भी मुझे सेक्शन निकालना है और बाकी के बालों को टाई कर देना है अच्छे से, ताकि जो ये हम बाल काटते हुए ज़्यादा प्रॉब्लम ना दे। तो सारे बालों को आगे की तरफ कॉम करना है। आप हमेशा जब भी ये बाल काटें आप फ्रंट की साइड खड़े रहें क्लाइंट की। मैंने कॉम किया, बॉक्स एरिया वही हाफ आईब्रो के एरिया से लेके मैंने बाल उठाने शुरू किए और मेजर करूँगा कि क्लाइंट को कितनी लेंथ चाहिए। मैंने मेजर किया नाक के एकदम सामने, मैंने कॉम लगा के देख लिया, क्लाइंट से पूछा, शी सेड ओके, तो मुझे वो लेंथ काट दे रहा है। अभी ये मेरे पास गाइडलाइन बन गया है ये बालों का। अभी मैंने कॉम किया, बाकी के बालों को उठाया, जो रेस्ट ऑफ द हेयर बचे हुए हैं डिवाइड कर लिया दोनों साइड की गाइडलाइन को। मैंने कॉम करके सारे बाल उठाए, सारे बालों को ट्रैवल करना है टुवर्ड्स द नोज़ की तरफ लेके जाना है। नोज़ के सामने लाके हॉरिजॉन्टल फिंगर रखनी है और काटना है इस तरह से, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। हाँ, छोटे बाल मेरी गाइडलाइन, बड़े बालों को काट देना है। ये चीज़ें बहुत सारे, ये बेसिक जो थिंग्स है, अगर आप ध्यान में रखेंगे आपके बालों बाल जो काट रहे हैं कभी भी आप गलत नहीं काट सकते हैं। तो ये चीज़ें आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। देखिए मैं यहाँ पे एकदम नीटली दिखाऊंगा, मैंने नोज़ के सामने लेके गया बालों को, छोटे बाल गाइडलाइन, बड़े बालों को मैंने एक्स्ट्रा काट दिया। ये देखिए कैसे लेयर्स आ गई हैं, ठीक है। तो ये एक मुझे फ्रंट का गाइडलाइन मिल गया, बैक में मैंने बाल काट के बैक का गाइडलाइन ले लिया। अभी मुझे बॉक्स एरिया उठाना ऊपर 90 डिग्री पे, और जो फ्रंट के हेयर मैंने काटे हैं वो मेरी गाइडलाइन है, उसको ऊपर लेके काट दूंगा 90 डिग्री पे। जो एक्स्ट्रा हेयर्स है काट के आप अपना न्यू गाइडलाइन बना सकते हैं फ्रंट से। फ्रंट वाले हेयर्स को बैक वाले हेयर्स के साथ मर्ज करना है। वो कैसे करना है, धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप बाल काटते जाइए। तो सबसे पहले मैं बॉक्स एरिया पे ही काम करूंगा। सारे कॉम कर लीजिए, सारे मिक्स कर लीजिए हेयर। बॉक्स एरिया थोड़ा सा और बढ़ा लूंगा, पीछे की तरफ लेके जाऊंगा बालों को। एकदम क्राउन के ऊपर मैंने बॉक्स एरिया लिया है, इसको भी ऊपर उठाऊंगा। आपकी गाइडलाइन आगे की तरफ है, जो आगे के बाल आपने काटे हैं 90 पे, इसको भी 90 पे उठाऊंगा। छोटे बाल हमारी गाइडलाइन है, उठा के काटने हैं, ये गाइडलाइन एक्स्ट्रा हेयर कट कर देने हैं। मैं वही बता रहा हूँ, बाल अगर छोटे कट रहे हैं तो डरिए मत, बिकॉज अगर आप काटोगे नहीं तो आपके बालों का जो लुक है वो नहीं आएगा, क्लाइंट के बालों का वो प्रॉपर शेप नहीं आएगी, काटते हुए डरो मत आप। तो अभी मैंने नेप एरिया का पूरा बड़ा सेक्शन ले लिया, बॉक्स एरिया, कॉम किया, अलग कर लिए बाल, उठाए 90 डिग्री पे। ऊपर वाले और नीचे वाले बाल दोनों मेरे पास गाइडलाइन है, यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, आप देखिएगा मैंने पकड़ा, वो जो गिर रहे हैं वो मेरी गाइडलाइन है। ऊपर वाले बाल जो मैंने काटे हैं ये दोनों को मर्ज कर लेना है इस तरह से, ऐसे ही सारे बालों को आपको मर्ज करना है।
एक चीज़ और बता दूँ, जो लोग मेरे ग्रुप पे या मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे मेरे को उतना अच्छा लगेगा, इवन मैं उतना ज़्यादा ग्रो करूँगा। तो ये चीज़ें प्लीज़ आप ध्यान में रखिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और उसके साथ एक बेल का बटन है, बेल का आइकॉन को दबाइए ताकि जो मेरी फ्यूचर वीडियोज़ हैं वो उस चीज़ का आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो प्लीज़ ये सब करते रहिए और मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और इसी तरह से जैसे ही आप मतलब मुझे मेल करेंगे, मैसेज करेंगे, तो मुझे समझ में आएगा कि आप किस तरह की वीडियो पसंद करते हैं, तो मैं इन फ्यूचर उस तरह के वीडियो बना के डाल सकता हूँ। तो अभी तक मैं एक बेसिक वीडियोस डाल रहा हूँ, इसके बाद शायद हम थ्योरी के ऊपर भी काम कर सकते हैं, कलर थ्योरी, स्मूथनिंग थ्योरी और कर्लिंग कर सकते हैं हम, कलरिंग कर सकते हैं हम, और सो मैनी थिंग्स लाइक कैराटीन और देर सो मैनी थिंग्स, ओलाप्लेक्स, हेयर स्पा, मेरे पास हर एक चीज़ की एक मिक्स थ्योरी है जो एकदम टिपिकल तरीके से मैं समझाऊंगा आपको इजी वे में, तो आप समझ भी सकते हैं। तो ये हेयरकट पीछे वाले जो मैंने लास्ट हेयरकट किया, मेरा वीडियो डाला हुआ है हेयरकट का, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज उसमें हमने ड्रायर सेटअप किया था, इसमें हम रोड सेटिंग करने वाले हैं। तो रोड सेटिंग एंड ड्रायर सेटिंग बोथ आर डिफरेंट। जो ड्रायर सेटिंग है वो तीन दिन, मैक्सिमम तीन दिन अगर आप हेयर वॉश नहीं करते हैं क्लाइंट, तो उनका वो सेटअप रहता है, हेयर में सेटिंग रहता है, तो वो आउट ऑफ शेप नहीं होते हैं। और अगर आप जो रॉड सेटिंग है, टोंग सेटिंग आप कर देते हैं, तो वो एक वीक तक चलता है। तो अब ये देखिए, जो मैं आज करने वाला हूँ वो एक वीक तक निकलेगा बालों में, एक हफ्ता बाल वैसे की वैसे रहेंगे अगर आप धोते नहीं हैं, तो आउट ऑफ शेप नहीं होगा, वो सबसे बड़ी बात है। बट जैसे मैंने शैम्पू किया हुआ क्लाइंट के अभी बाल गीले हैं, तो मुझे ब्लास्ट ड्रायर करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, फिंगर ड्राई करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं हम, 100% सुखाने के बाद इसमें हम करेंगे टोंग सेटिंग। तो आगे देखिएगा। जैसे ही हेयरकट हो जाता है, इसके बाद क्लाइंट अपना लेंथ चेक कर रहा है, तो शी इज़ लाइक ओके, लेंथ तो ठीक है, और मुझे सेटअप कर दीजिए, हेयर की सेटिंग कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं ड्रायर से ड्राई करूँगा, 100% ब्लास्ट ड्राई करना है, ओके। देन उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे, उसको बोलते हैं रॉड और टोंग सेटिंग, फाइन। तो आप पहले ड्राई कर लीजिए हेयर को अच्छे से। जैसे ही ड्रायर कंप्लीट हो जाता है, आपको रोड का टेम्परेचर जो है वो 180 टू 190 रखना है, मुझे सेक्शन बाय सेक्शन उसी तरह कॉम करके। ये मेरे पास रोड है जो मीडियम साइज़ का साइज़ है, ये ज़्यादा मोटा भी नहीं है, ज़्यादा पतला भी नहीं है। मैं 90 डिग्री पे उठाऊंगा, हल्का सा फोल्ड करूंगा, वन फोल्ड करना है, एकदम रूट्स के पास नहीं लेके जाना, जस्ट वन राउंड करना है, आपको घुमाना है एक ही और रखना है, नॉट मोर देन 30 सेकेंड से पहले आपको ये निकाल लेना है, बिकॉज़ ये ज़्यादा गर्म होता है, अगर आप ज़्यादा देर रखेंगे तो बाल जलने और ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो मैंने कॉम्ब किया, रोड को होल्ड किया और 30 सेकेंड हाथ लगाते देखते रहिए, अगर गर्म हो रहा है ज़्यादा बाल तो आप निकाल दीजिए, कई बार 10 सेकेंड में भी हो जाता है। तो इसी तरह मुझे सेक्शन बाय सेक्शन ये करना है, एकदम सारे बालों में मुझे ये कर्ल्स ही डालने हैं, सिर्फ एंड्स पे कर्ल डाल रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, जस्ट वन इन, सी वीडियो में आपने देखा मैंने
क्लिप किया, टोंग से मैंने क्लिप किया बालों को, दोबारा देखिए, बालों को पकड़ा, टोंग से क्लिप किया, एंड्स पे लेके आया, जैसे ही एंड 90 डिग्री पे आए मैंने उनको इन कर दिया। सी, एकदम सिंपल है बस, और 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं रखना है बिकॉज टेम्परेचर अभी गर्म है, पूरा हाई है। तो आप नेक्स्ट सेक्शन लीजिए और जल्दी से जल्दी ऊपर के बाल भी करते जाइए। तो इसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट लगने चाहिए। अब बालों को डिवाइड करिए, 90 डिग्री पे उठाइए, कॉम करिए, सारे टेंगल्स जो है वो निकाल लीजिए, कॉम करिए, रॉड को क्लिप करिए, ऊपर की तरफ लेके जाइए 90 डिग्री पे, और इन टर्न आपको स्पाइरल कर्ल्स कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बट स्पाइरल कर्ल्स कर रहा हूँ, जब इसका रिजल्ट आएगा वो डिफरेंट आएगा, एकदम ऑपोजिट। देखते जाइए, हेयर कट के बाद का रिजल्ट देखिएगा, एकदम डिफरेंट, एकदम ईजी है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पे। अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो एकदम ईजी हो जाता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं, मैं तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाता हूँ जब भी कर्ल्स करता हूँ। तो अगर रॉड अच्छी हो आपके पास, जैसे कि आइकॉनिक ब्रांड की रॉड्स मिल जाती हैं, बहुत अच्छी आ रही हैं, अभी उसमें भी टेम्परेचर है, तो आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर फिक्स करके 180-190 के ऊपर देन आप ये हेयर टोंग कर सकते हैं। टोंग का साइज़ हमेशा मीडियम रखिए, एकदम पतला वाला मत लीजिएगा, वो डिपेंड करता है कि आपको कैसे बाल कर्ल करने हैं। तो एकदम मोटा भी नहीं और एकदम पतला भी नहीं, मीडियम साइज़ रखिए, वो हर एक यूज़ में आता है आपके। तो अगर आप बिगनर हैं तो प्लीज़ ये काम ज़रूर देखिएगा। इसी तरह मैंने सारे बालों को 90 डिग्री पे उठा के रॉड से कर्ल करना है, एंड्स को कर्ल करना है, और 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं रखना है और बालों को निकाल देना है। आप देख रहे हैं मैं ज़्यादा टाइम नहीं रख रहा हूँ, 10 सेकंड भी नहीं रख रहा हूँ, 10 सेकंड से पहले निकाल दे रहा हूँ। अभी आ गया मेरे पास क्राउन एरिया, इसको भी मैंने आउट कर्ल्स करने हैं, मैंने पकड़ा है, घुमाया, इसको मैं हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ। कुछ कुछ हेयर्स ऐसे होते हैं जिसको आप स्पाइरल नहीं कर सकते हैं, तो क्राउन एरिया का अगर मैं स्पाइरल करने गया तो वो ख़राब दिखेंगे, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ और छोड़ूंगा स्पाइरल में, तो सी वो स्पाइरल दिख रहा है। ठीक है, अभी मैं आ गया हूँ साइड वाले बालों पर, कॉम करूँगा, बॉक्स एरिया को क्लिप किया मैंने, कॉम किया, ये भी बालों को 90 डिग्री पे उठाना है, टोंग से होल्ड किया, 90 डिग्री पे लेके आया और एक फोल्ड किया, एक फोल्ड करके रखना है 10 सेकंड मैक्सिमम, 10 सेकंड और निकाल देना है, ज़्यादा टाइम नहीं रखना है। आप चेक कर सकते हैं हाथ लगा के, अगर वो गर्म हो गए हैं और निकाल दो, सी कर्ल्स कितने अच्छे आ रहे हैं। ऐसे ही अदर साइड करना है। जैसे ही हमारा बॉक्स एरिया आता है तो जो फ्रंट के हेयर्स रहते हैं उनको मैं अलग डिवाइड करूँगा, दो भाग में डिवाइड करूँगा। पीछे वाले बालों को हमें अभी आउट नहीं करना है, हमें अभी इन करना है, इन साइड में। तो आप देखिए मैं कैसे पकड़ा हूँ रॉड को, ऊपर से नीचे की तरफ इन करूँगा, अंदर की तरफ आउट कर्ल नहीं करना है, तो मुझे ये ज़रूरी है। और फ्रंट के हेयर्स को, जैसे क्लाइंट को अगर साइड पार्टीशन करना है तो आप साइड पर उसे रोल कर सकते हैं, बैक कॉम करना है तो बैक में कर सकते हैं, और मिडल पार्टीशन में करना है तो वो डिपेंड करता है वो क्लाइंट के ऊपर कि उसको क्या चाहिए। तो मेरे क्लाइंट को यहाँ पे साइड में चाहिए था तो मैं साइड में लेके जाके उसको हल्का सा एंड्स को टर्न करके छोड़ रहा हूँ। तो आप रिज़ल्ट देखिएगा। अब सारे कर्ल्स को मुझे खोलना है, ऐसे ही नहीं छोड़ना है। तो यही एक हेयर कट का डिफरेंस है कि आप कैसे इनको स्पाइरल से इसको हॉरिजॉन्टल दिखाओगे। सी, मैंने सारे बालों को खोल दिया है, जितने कर्ल्स किए थे आप अपनी उंगलियों से खोल दीजिए, रिजल्ट देखिए। सी, अभी यहाँ पे स्टेप हेयर कट दिख रहा है, आपके स्टेप्स जो हैं अच्छे से दिख रहे हैं, और ये कर्ल्स एक हफ्ते तक ऐसे ही रहेंगे, मेरी गारंटी है। आप करके देखिए, क्लाइंट को बोलिए बाल धोने नहीं है, एक हफ्ते तक ऐसे रहेंगे, सीधा रिजल्ट।
प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, मैं उतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ डालूँगा। सी, ये आफ्टर हेयरकट का मैंने पिक्चर लिया आप सबके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।